चतुर्थ चरण ग्रीवा घुमाना, श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं और वापिस आ जाए। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को दो बार दोहराएं। अभ्यास के बाद सम स्थिति में शिथिल हो जाएं। ये आपके शरीर और मन को शांत करेगा। योग सत्र की औषधे शांति वनस्पतिया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति एव शांति सम शांति। यदि आप सभी का हमारे योग सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक व आरामदायक स्थिति में बैठें। अब थोड़े ही समय में, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीवा चालन अभ्यास विधि चरण दाई एवं बाई ओर झुकना, नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं, ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को दो बार दोहराएं। चरण दाएं एवं बाएं घुमाना, सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठोड़ी और कंधे एक सीध में हो जाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं, श्वास को अंदर लेते हुए तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं और श्वास को छोड़ते हुए वापिस ले आएं। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को दो बार दोहराएं। तव्य ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाना चाहिए, अधिक नहीं खींचना चाहिए। कंधों को शिथिल और स्थिर रखना चाहिए। ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा को जोड़े व मांसपेशियों। चरण प्रथम स्कंध खिंचाव अभ्यास विधि, पैरों को एक साथ मिलाकर एवं शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को
अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो, श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरह से ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए नीचे लाएं। लाभ: इस योगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। ये योग अभ्यास गर्दन की रीढ़ की और स्कंध संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दिलाता है। कटिंग संचालन अभ्यास विधि: दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाएं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्ण स्थिति में आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। शरीर को सीधा रखें। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को वापिस नीचे लाएं। उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकें। तो शरीर से बाहर छोड़ते हुए अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करें, भुजाओं को वापस लाएं जाएं। इसमें 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। तो नीचे लाएं, पैर को पूर्व दिशा में सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठें। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। ये विश्राम आसन की स्थिति है। अभ्यास विधि: पीठ व कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को नितंब के पास रख, दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आए। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथ से पकड़कर ढक लें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र से जितना नजदीक हो सके लाएं। यदि आपकी जंघाएं जमीन से नहीं लगी हुई हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया रखना चाहिए।
जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करें तब अंतिम अवस्था में आंखें बंद कर लें। अभ्यास विधि, दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए, हाथ आपके शरीर के बगल में हो तथा आपकी हथेलियां जमीन पर हो। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें, जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। इस आसन को अर्धचक्रासन कहते हैं। अभ्यास विधि, पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल में पकड़ें। कोहनियों को समान अंतर रखने को प्रयास करें। चाहिए श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस लोटे दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाना चाहिए। छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकना चाहिए। झुकने के बाद दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधा की ओर ऊपर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना चाहिए। 10 से 30 सेकंड तक श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापिस आ जाए। इस आसन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। चढ़ के हर एज ग्रुप ने हिस्सा लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीनगर से लीड कर रहे थे इस पूरे सेलिब्रेशन को। मुझे लगता है कि रियासी के वासियों ने भी, आपको ये बता दूं कि रियासी में तो हो ही रहा है लेकिन इसके अलावा बाकी भी सब डिविजन्स में मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि सारे लोगों का, खासकर वो छोटे बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, जो आगे आए, सुबह 6 बजे उठ के पहुँचे। और मैं उम्मीद करता हूँ योग को वो अपने जीवन में, अपने जीवन की कार्यशैली में एक हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि स्वस्थ भारत, तंदुरुस्त भारत बना रहेगा। और जो हमारी सेहत है, जो माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब देश का युवा, देश की जनता, देश के लोग स्वस्थ होंगे तो देश ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगा। लोग बड़ी संख्या में आए, लोग आते रहे, योगा में पार्टिसिपेट करते रहे और छोटे बच्चों को देख के, बड़ों को देख के मुझे बड़ा हर्ष हुआ। श्रीनगर में बारिश रही, आपने देखा, वो दिखा रहे थे और चल रहा है प्रोग्राम। तो मौसम के आगे तो किसी की नहीं चलती, तो अभी भी योग चल रहा है, बाकी स्थलों पे हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। सर देखिए, आज की डेट में मैंने अक्सर लोगों को सुनते कहते ये सुना है, डिप्रेशन हो गया और बड़ी ज़्यादा टेंशन है, बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है। ये जो डिप्रेशन, ये जो स्ट्रेस, ये कुछ नहीं है, योगा करो सब भाग जाएगा, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।